हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आईपीएल 2021 का पूरा शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। आज के शेड्यूल में दोस्तों हम बात करेंगे तीन सबसे बड़ी अपडेट्स के बारे में, जो कि गाइस ठीक शेड्यूल होने के बाद आरसीबी की टीम के लिए निकल के आई है। साथ में दोस्तों आरसीबी की प्रैक्टिस कैंप को लेके भी काफ़ी बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। तो गाइस, इस वीडियो में हम पूरी तरीके से आज की अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, आप लोग अगर आरसीबी की टीम के फैन हो तो गाइस इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को एक लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिएगा। चलिए गाइस, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस बात करते हैं आरसीबी की टीम की पहली अपडेट की। तो गाइस, ये निकल के आई है आरसीबी की टीम के शेड्यूल को लेकर। तो गाइस, आरसीबी की टीम का पूरा शेड्यूल आ चुका है। दोस्तों, मैं आप सभी को स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, जहाँ पर गाइस आरसीबी की टीम आईपीएल 2021 का स्टार्टिंग मैच खेलने वाली है मुंबई इंडियंस के साथ में। दोस्तों, आरसीबी की टीम का पहला मैच होने वाला है। ये न्यूज़ दोस्तों आप में से लगभग सभी को पता चल गई होगी। आरसीबी वर्सेस जमाई का पहला मैच खेला जाने वाला है। चेन्नई के स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। उसके बाद दोस्तों आरसीबी की टीम हैदराबाद के साथ भिड़ेगी। तो गाइस, आप लोग पूरा का पूरा शेड्यूल वीडियो को पॉज कर देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब हम दूसरी बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं, जो कि दोस्तों टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोरो के लिए निकल के आई है। तो गाइस, ये अपडेट जुड़ी है आरसीबी की टीम के होम ग्राउंड को लेकर। तो गाइस, चिन्ना स्वामी यानी कि बेंगलोर में दोस्तों आरसीबी की टीम का एक भी मैच नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, आरसीबी की टीम बेंगलोर में एक भी मैच नहीं खेलेगी। आईपीएल 2021 का दोस्तों जो शेड्यूल आया है, इसमें दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि कोई सी भी टीम दोस्तों अपने होम ग्राउंड पे एक भी मैच नहीं खेल पा रही। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बीसीसीआई ने डिसाइड किया है किसी भी टीम को होम एडवांटेज नहीं मिलेगा। बेंगलोर में दोस्तों मैचेस तो होंगे, लेकिन आरसीबी की टीम का एक भी मैच नहीं होगा। साथ में गाइस, जो नॉकआउट मुकाबले होंगे वो दोस्तों अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम में खेले जाएंगे। यानी कि दोस्तों, हम सभी को आरसीबी की टीम के एक भी मुकाबले चिन्ना स्वामी में नहीं होते हुए दिखाई देंगे। अब दोस्तों हम आरसीबी की टीम की तीसरी बड़ी अपडेट की बात करते हैं, जो कि गाइस आरसीबी की टीम के प्रैक्टिस कैंप को लेकर आई है। दोस्तों, आईपीएल 2021 का शेड्यूल आ चुका है और आरसीबी का प्रैक्टिस कैंप जल्द ही लगने वाला है। बेंगलोर में दोस्तों लगते हुए हमें दिखाई देने वाला है। माइक हसन का दोस्तों इंटरव्यू में बयान सामने आया था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि आईपीएल 2021 के शेड्यूल पे पूरा डिपेंड रहने वाला है आरसीबी का प्रैक्टिस कैंप। तो गाइस, यानी कि आरसीबी का प्रैक्टिस कैंप एक या डेढ़ हफ्ते में हम सभी को दिखाई देने वाला है, क्योंकि गाइस आरसीबी की टीम का पहला ही मैच है। ऐसे में दोस्तों माइक हसन इंडिया में मौजूद है और माइक हसन दोस्तों प्रैक्टिस जल्द ही शुरू करवाने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट न्यूज बता देता हूँ, जहाँ पे गाइस आरसीबी की टीम के प्रैक्टिस कैंप में हम सभी को स्टार्टिंग में विराट कोहली, यजविंदर चहल और साथ में गाइस कुछ और इंडियन प्लेयर्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि दोस्तों इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के सीरीज अभी दोस्तों कंटिन्यू चल रहे हैं। तो गाइस, ये कुछ खिलाड़ी आ नहीं सकते, लेकिन दोस्तों एबी डिविलियर्स जैसे बड़े खिलाड़ी हम सभी को पहले दिन से ही प्रैक्टिस कैंप में प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और एबी डिविलियर्स के साथ दोस्तों देवदत्त पर्रिकर, सचिन बेबी, मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे कुछ भारतीय खिलाड़ी भी हम सभी को पहले दिन से आरसीबी के प्रैक्टिस कैंप में नजर आएंगे। तो गाइस, मैं आप सभी को आईपीएल 2021 के लिए आरसीबी की टीम के प्रैक्टिस कैंप की ए टू जेड न्यूज देता रहूंगा। आप लोग गाइस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में गाइस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, ताकि आप सभी को आरसीबी के प्रैक्टिस कैंप आईपीएल 2021 से रिगार्डिंग सारी न्यूज सबसे पहले मिल सके। चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं अपने अब नेक्स्ट वीडियो में।